Most welcome to our online class. I am Adhesh Kumar Asana. We are going to learn active voice and passive voice. Many times I had taught you from active voice to passive voice. Today we are going to study from passive voice to active voice. Let's start. Here children, here are some sentences you have to look attentively. In passive voice, first example, children are brought up by mothers. Mothers as a object के रूप में प्रयोग किया गया है और children subject के रूप में. In active voice में mothers को subject के रूप में और children को object के रूप में प्रयोग करेंगे. Here are is used, it means it is present indefinite tense. Mothers bring up children. Mother प्लूरल है और बिंग में एस ए एस नहीं लगाएंगे. सेकेंड, इन पैसिव वॉइस, ए टॉय वॉज गिवेन टू हिम बाई मी. हियर ए टॉय ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे और मी को सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयोग करेंगे. इन एक्टिव वॉइस, आई गेव ए टॉय टू हिम. गेव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज पैसिव वॉइस सेंटेंस इज गिवेन इन पास्ट tense. Example number three, be passive voice में truth should always be spoken by us. Us को subjective form में we का प्रयोग करेंगे. We should always speak the truth. Speak is the first form of spoken. Fourth, a horse has been sold by him. एक घोड़ा उसके द्वारा बेच दिया गया है. दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकॉज हैज यूज इज यूज्ड हियर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो इन एक्टिव वॉइस, ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही हैज सोल्ड ए हॉर्स. सोल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ए हॉर्स एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया है. एग्जाम्पल नंबर फाइव, इन पैसिव वॉइस, ही विल नॉट बी पार्डन्ड बाई हर. ही को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे और हर को सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग करेंगे. हर का सब्जेक्टिव फॉर्म जो है शी विल नॉट पार्डन हिम. एग्जाम्पल नंबर सिक्स, द पेशेंट्स वेयर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर. डॉक्टर हियर बीइंग इज यूज्ड, it means it is continuous tense, and where is used, it means past continuous tense. The doctor was, according to doctor, doctor ek hai isliye was ka upyog kiya gaya hai. Doctor was examining the patients. Seventh, had all the cakes been eaten by the children. Children yahan children ke dwara sare cake kya kha liye gaye hain. तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे और ये हैड का प्रयोग हुआ है. हैड मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सो हैड पहले लिखेंगे, हैड द चिल्ड्रन ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑल द केक्स, दिस इज द ऑब्जेक्ट. हैड द चिल्ड्रन ईटन ऑल द केक्स इन एक्टिव वॉइस. एग्जाम्पल नंबर एट, हियर लुक केयरफुली. पैसिव वॉइस में, इज ए बर्ड सीन बाई हिम. क्या एक चिड़िया उसके द्वारा देखी गई है. यहाँ पे चिड़िया को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है और हिम ऑब्जेक्टिव, तो हिम को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयोग करेंगे और बर्ड को ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे. तो डज ही सी ए बर्ड, दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ही के साथ में डज का प्रयोग, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है. तो डज ही सी ए बर्ड. एग्जाम्पल नंबर नाइन, वॉज ए बुक बींग रेड बाई मोहन. हियर इज वॉज इज यूज, इट मीन्स पास्ट टेंस. बींग इज यूज इज मीन्स कंटिन्यूअस, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हियर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन. मोहन को सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के साथ में वॉज, सिंगुलर है मोहन इसलिए वॉज. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको फर्स्ट पहले लिखेंगे. वॉज मोहन रीडिंग अ बुक. Interrogative mark. 10th,
स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाई हर। हर को सब्जेक्टिव फॉर्म में शी का प्रयोग करेंगे और स्वीट्स ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इट मीन्स शी डज नॉट लाइक स्वीट्स। आर इज यूज हियर, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट टेंस। नॉट मीन्स निगेटिव, शी डज नॉट लाइक स्वीट्स, दिस इज निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस। हियर आर फाइव सेंटेंसेस, यू हैव टू चेंज इन टू एक्टिव वॉइस। फर्स्ट लुक केयरफुली, विल शी हैव बीन हेल्प्ड बाई देम। सेकेंड, ए क्रिकेट मैच हैड नॉट बीन प्लेड बाई अस। इसमें हैड का प्रयोग हुआ है इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। इसमें विल हैव का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। व्हाट इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू, बीइंग का यूज हुआ है, इट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस टेंस। इज प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हु इज लाइक द मोस्ट बाय हर, यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स यू हैव टू मेक इन टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ, आवर कंट्री आर टू बी सर्व्ड बाय अस। आर टू मॉडल वर्ब है, आवर कंट्री सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हुआ है लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्ट में प्रयोग करेंगे और अस को वी के साथ प्रयोग करेंगे और इसको हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। ऑल दिस यू हैव टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस ऑल दिस सेंटेंसेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।